उन्होंने राजा बाबू भाग दो के अंतर्गत पथखंड में पाठ 5-7 स्वीकारा है का खंड 2 पृष्ठ 30 देखेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इतना भी उड़ीलता हूँ हर वक्त मेरा आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर भाव ऊपर तुम मुस्काता चाँद क्यों धरती पर रात रहा मन पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। व्याख्या में अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ, मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ और बांटता हूँ उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है, मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है जिससे लगातार स्नेह की बरसात होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जिससे निरंतर स्नेह जल झलकता रहता है, मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देखेंगे। सेट फर्स्ट से का प्रश्न है, तुम्हारा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, आप ऐसा क्यों मानते हैं। उत्तर में तुम और तुम्हारा संबोधन कवि की प्रियतमा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह स्वाभाविक है कि कोई युवक या पुरुष अपनी प्रेमिका के प्रेम में सर्वाधिक प्रभावित और अभिभूत होता है। प्रश्न खा, उस अनजान दृष्टि पर टिप्पणी बताइए कि उसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर में उस अनजान दृष्टि में अथाह प्रेम है जिसके कारण कवि हमेशा उसके प्रेम से भरा भरा रहता है, उसका जीवन प्रेममय हो गया है। गा प्रश्न में आशय स्पष्ट कीजिए, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। उत्तर में कवि अपने हृदय में उमड़े प्रेम को झरने के माध्यम से प्रकट करता है, उसे अनुभव होता है कि जब से उसकी प्रेयसी ने उस पर अपना प्रेम उड़ेला है उसके दिल में मीठे पानी का झरना फूट पड़ा है। घात प्रश्न देखेंगे, काव्यांश के आधार पर कवि की मना स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर में अपनी प्रेयसी के प्रेम को पाकर कवि का जीवन आनंद में सराबोर हो गया, उसके हृदय में प्रेम का झरना फूट पड़ा तो सामने खिलते हुए चांद के समान प्रेम का मुस्कुराती है उसका जीवन धन्य हो गया है। प्रश्न का देखेंगे, सेट 2 में कवि अपने संबोधन के साथ रिश्ते को कोई नाम देने में असमर्थ क्यों है। उत्तर में कवि अपनी प्रिया को किसी संबंध में नहीं बांधना चाहता, अभी उसकी उससे शादी नहीं हुई है, बिना विवाह के किसी को प्रिया कहना समाज को स्वीकार नहीं है। खा प्रश्न में उड़ेलता और दिनभर फैलाता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि की इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है। उत्तर में कवि जितना भी प्रेम उड़ेलता है अर्थात बाहर प्रकट करता है उसका हृदय उतना ही और भर जाता है, उसके मन में प्रिया के प्रति असीम प्रेम है। गा प्रश्न में झरना एवं मीठे पानी का सोता का प्रतीकार्थ बताइए और स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों की स्थिति कहाँ है। उत्तर में झरना और मीठे पानी का सोता दोनों कवि की प्रेम भावना के लिए व्यक्त हुए हैं, दोनों का स्थान कवि का निर्मल हृदय है। गा प्रश्न में कवि का तुम कौन है और वह किस प्रकार कवि को आनंदित कर रहा है। उत्तर में कवि का तुम उसकी प्रिया है, उसके भावों को समर्थन देकर उसे सराहकर आनंदित कर रही है। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर देखिए, इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर में कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है इसका रहस्य बना हुआ है, परंतु वह अत्यंत प्रेरक है, यह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है, प्रेरक है, यह स्पष्ट है। अगला पॉइंट है, संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण यह पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है।
बंगला भाषा निर्जर के समान किसी भी बंधन से मुक्त है, ना इसमें लय का बंधन है, ना तुक का, ना छंद का, केवल अर्थ की लय और गतिशीलता है जो कविता का प्रभाव पैदा करती है। प्रश्न और संदेह अलंकार से काव्य में रहस्यात्मकता आ गई है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। झरना और मीठे पानी का सोता स्नेह की उपमान है। रूपकाति संयुक्ति अलंकार है। मुस्काता चांद चेहरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। घर भर कर में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धरती पर रात भर में राखी आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। होमवर्क में रेल खंड दूसरा शब्दार्थ व्याख्या अर्थ ग्रहण संबंधी तथा बोध ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तरों को लर्न करना, दैट्स ऑल।